नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज बहुत दिनों के बाद एक रेसिपी अपलोड करने वाली हूँ और वो है अवोकैडो श्रीखंड, यानी बटरफ्रूट से बना श्रीखंड। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम 1 लीटर दूध लेंगे। दूध अच्छे क्रीम वाला ले लीजिए ताकि उसके ऊपर मलाई अच्छी तरह से बन जाए। दूध को मैंने रात को जमा दिया है दही बनने के लिए, और सुबह मैंने जब दही बना तो देखिए कैसे गाढ़ा हो गया है। अब हम एक बाउल में एक छलनी लेंगे और उसमें एक कपड़ा डाल लेंगे, जैसे मसलिन क्लॉथ जैसे, और उसके बाद हम इस दही को उसमें डालेंगे। डाल के अच्छी तरह से पानी ड्रेन होने के लिए रख देंगे 6 से 8 घंटे के लिए। मैंने इस हंग कर्ड को 4 घंटा बाहर रखा था और 2 घंटे मैंने इसे फ्रिज के अंदर रखा है और वहीं उसे ड्रेन करने के लिए रख दिया था। आप बहुत ज़्यादा ड्रेन मत कीजिए पनीर की कंसिस्टेंसी में, इसे सॉफ्ट ही रखिए और जितना वो हो सके उतना ड्रेन कर सकते हैं, लेकिन इसे स्क्वीज मत कीजिए प्लीज़। एवोकाडो श्रीखंड बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स में शक्कर चाहिए, एवोकाडो अच्छी तरह से पका हुआ, इलायची और हंग कर्ड। पहले हम एवोकाडो को बीच में से काट के उसका पल्प निकाल लेंगे। पल्प में आप देखिए कि ज़्यादातर पल्पी पार्ट ही आप निकालें और अंदर वाला पार्ट मत निकालिए, जितना हो सके वो सॉफ्ट ही रहे। हंग कर्ड में एवोकाडो पल्प को डालने से पहले मैंने इस पल्प को अच्छी तरह से मैश कर लिया है, वो भी बहुत ही पल्पी और सॉफ्ट कंसिस्टेंसी में। अगर आपको लगे कि आपको थोड़ा सा पीसेस, सॉफ्ट सॉफ्ट पीसेस, उसका एवोकाडो का पीसेस आप टेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा बचा के रखिए, ज़्यादा मैश कीजिए, थोड़ा सा बचा के रखिए और उसको बाद में ऐड कीजिए। अभी हम हंग कर्ड को इसमें डालेंगे। अब आता है इस रेसिपी का एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जितना आप इस हंग कर्ड को बीट करेंगे उतना ही अच्छी तरह से इसकी कंसिस्टेंसी स्मूथ बनती जाएगी। बीच बीच में हम इसमें शुगर और एवोकाडो पल्प ऐड करते जाएंगे और लास्ट में कार्डमम पाउडर। श्रीखंड एक महाराष्ट्रियन डिश है जिसे पूरी के साथ खाया जाता है। आप इसे हाथ से भी मसल कर इसे इसकी कंसिस्टेंसी सॉफ्ट बना सकते हैं, स्मूथ बना सकते हैं, या आप इसमें पोटैटो मैशर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ एक बीटर का यूज किया है। आप इस एवोकाडो श्रीखंड को पूरी के साथ खा सकते हैं या चपाती के साथ खा सकते हैं, या आप ऐसे ही इसे एक डेजर्ट के रूप में पेश कर सकते हैं। अब मैंने हंग कर्ड को इस स्मूथ कंसिस्टेंसी में बीट किया है। देखिए कितना सॉफ्ट है, देखिए कितना सॉफ्ट है।
इस हंकर में मैंने अवोकेडो पल्प का स्मूथ कंसिस्टेंसी वाला पल्प लिया है। अगर आपको पीसेस चाहिए तो आप इस स्टेज में, एंड वाले स्टेज में, आप उस पीसेस को ऐड कर सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। तो पेश है अवोकेडो श्रीखंड या बटरफ्रूट श्रीखंड। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और आपके कमेंट्स कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिए। आगे की रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बटन ऑन करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।